का ये पत्थर सा बदन और का वो फूल सा नाजुक बदन। मामा इश्क इंसान को निकम्मा कर देता है। अरे भांजे हम वैसे भी कौन से काम के हैं। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिप्रलेस लोफर और पिक पॉकेट है जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिप्रलेस लोफर और पिक पॉकेट है जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है,
लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले, लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है, वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है। जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है, इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छिड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिपलेस लोफर और पिक पॉकेट है जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने
की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्मों बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया जहाँ पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक से विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे
जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है। जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है, इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते
मिट्टी के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिपलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है।
वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहाँ पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक से विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है, वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है।
अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, झेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेफ विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है, वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है
एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छिड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, झेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह
अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया।
फिल्म लोफर ने यादों की बारात झेल के उस पार कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की सातवीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है, एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक से विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है, वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है। तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात झेल के उस पार कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की सातवीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया।
धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिपलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है, एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है, वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है। तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, झेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है।
फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है। जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है, इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का
फिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है। जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है, इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का फिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है।
अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिपलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक से विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह
उसे जो गहने को चुरा ले उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है। जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है, इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे जो गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा।
और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है। जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है, इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिपलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है।
इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है। जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है, इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक से विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है। जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है, इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है।
चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छिड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, झेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है, वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने
गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिपलेस लोफर और पिक पॉकेट है जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में
काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है, एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक से विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है, वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है। तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा।
इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है, एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक से विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है, वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है। तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार
रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक से विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले, लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है। जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है, इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, झेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है।
लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले, लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छिड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, झेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने
की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है। जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है, इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे
जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है। रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है। जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है, इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेफ विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते
मिट्टी के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है। वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहां पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है। जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है, इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिपलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है।
वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है, वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है।
अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छुड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े, जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, झेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिपलेस लोफर और पिक पॉकेट है, जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है एवं रंजीत के लिए वह खतरा है। गिरोह का सिरगना रंजीत के लिए जाल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजू उसे चेतावनी देती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होती है। रंजीत भी अपने दोस्त एक सेब विक्रेता की मदद करने की कोशिश करता है। वह उसे अमीर होने का दिखावा करता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से झूठ बोला है और कहा है कि वह एक अमीर व्यापारी है। अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे अपने झूठ को आगे इसी तरह से फैलाना पड़ेगा। इसी बीच रंजीत को कुछ गहने चोरी करने होंगे, जिससे वह अब अमीर बन सकेगा और तथा उसे गरीबी कभी छू नहीं पाएगी। रंजीत, जो पहले भी कई बार चोरियां कर चुका था, उसे इस गहनों की चोरी करने का कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले कि दूसरा गिरोह उसे गहने को चुरा ले, उसके सामने यही चुनौती थी कि उस गहनों को सबसे पहले वही चुरा ले। लेकिन इसमें कई सारी मुसीबतें भी आने वाली थी। चलने वाले कुत्ते के खिलौने की मदद से वह गहने चुराने की कोशिश में है। वह योजना बनाता है कि जब चलने वाले कुत्ते होंगे तो उन्हीं की मदद से वह उन गहनों को साफ करेगा तथा उन गहनों को चुरा कर अपने पास ले आएगा। और अंजू गैंग लीडर से कहती है कि वह अब रंजीत की जासूसी नहीं करेगी। वह गैंग लीडर से यह भी कहती है कि वह रंजीत के प्यार में पड़ चुकी है, वह रंजीत के लिए अब काम करना चाहती है तथा वह गैंग लीडर से यह कहने के बाद गैंग लीडर काफ़ी गुस्से में आता रहता है। इसी के साथ उसे गैंग से निकाल दिया जाता है और अंजू को बंधक बनाकर वहीं पर रखा जाता है। इस बात पर रंजीत की जानकारी मिलती है, रंजीत को वहाँ पर बुलाया जाता है। अंजू को वह देखकर रंजीत चौंक जाता है। अंजू को बचाने के लिए रंजीत को गहने चुराने का काम सौंपा जाता है, जब गैंग लीडर उसे एक और बड़ी डकैती एवं चोरी करने के लिए बोलता है। इस बात से अनजान रंजीत पहले ना कहता है, लेकिन अंजू को देखने के बाद वह चोरी करने के लिए भी हाँ कहता है। चोरी करते समय उसे कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसके भाई को भी उसे मारना पड़ता है।
एवं उसे अन्य किसी गिरोह का भी सामना करना पड़ता है। इसी बीच वह एक बड़ी डकैती को भी अंजाम देता है। जब वह डकैती करता है तो वह अपने चाल कर नकली गहने गैंग लीडर को देता है और अंजू को छिड़ाने की कोशिश करता है। गैंग लीडर को यह भनक लगती है और वह अंजू को एवं रंजीत दोनों को ही इस बार बंदी बनाने का फैसला करते हैं। इसके बाद कहानी पुलिस आती है और कहानी में पुलिस आकर रंजीत और अंजू को छुड़ा लेती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और इसे 1973 में काफ़ी अच्छी कमाई का मौका मिला। इसने कमाई में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े जबकि इसे 7वें नंबर पर सबसे अच्छी फिल्म माना गया। फिल्म लोफर ने यादों की बारात, जेल के उस पार, कहानी किस्मत की कीमत और ब्लैकमेल के साथ लोफर 1973 की धर्मेंद्र की 7वीं लगातार सुपरहिट फिल्म बन गई थी। इससे पहले कोई भी सितारा ऐसा करने में नाकामयाब रहा। इस तरह राजेश खन्ना को धर्मेंद्र ने उस साल सबसे अच्छी फिल्म बनाने वालों में सबसे पीछे छोड़ दिया। धर्मेंद्र और मुमताज के प्रदर्शन के लिए फिल्म के लिए तो उन्हें तारीफ मिली ही। फिल्म का सदाबहार गाना आज मौसम बड़ा बेईमान है, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म गाना बना। इस गाने को लगभग 3 से 4 बार रीमेक बनाया गया, जहां पर 2001 में इसका सबसे बेहतरीन मानसून वेडिंग में इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फिल्म लोफर की कहानी शुरू होती है। रंजीत एक शिफ्टलेस लोफर और पिक पॉकेट है जो एक गिरोह के लिए काम करता है। उसे अंजू नामक की एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि वह एक प्रतिद्वंदी गिरोह के नेता के लिए उसकी जासूसी भी कर रही है।